तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी C21Y के बारे में। जी हाँ गाइस, रियलमी C21 सीरीज में और एक स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है आज, जिसका नाम है रियलमी C21Y। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फोन के फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या प्राइस के साथ फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है और कब आपको फर्स्ट सेल में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, आप सबको पता होगा रियलमी C21 सीरीज़ में जितने भी फ़ोन देखने को मिला, सभी फ़ोन में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिला। तो इस फ़ोन में भी आपको प्लास्टिक बॉडी ही देखने को मिलता है और राइट साइड के ऊपर में आपको स्क्वायर साइज कैमरा देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और यहाँ पर आपको LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाता है। उसके थोड़ा ही नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और राइट साइड के नीचे में आपको रियलमी का ब्रांड देखने को मिलता है। अब बात करें अगर डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पर 420 nits का ब्राइटनेस आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें फ़ोन के कैमरा के बारे में, तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का BMW सेंसर। अगर बात करें फ़ोन के फ्रंट कैमरा में, तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो अब अगर बात करें फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो बैटरी यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। गाइस, इस फ़ोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और साथ में आपको 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको UNI SoC T610 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो प्रोसेसर माइक्रोमैक्स IN2B में भी देखने को मिला था, सेम प्रोसेसर जो है इस फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है। तो अब अगर बात करें फ़ोन के रैम और रोम के बारे में, तो 2 वेरिएंट में इन्हें लॉन्च किया गया है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 और रियलमी UI आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करें फ़ोन के कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS एंड माइक्रो USB केबल आपको मिलता है, टाइप सी नहीं मिलता है, और साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी फ़ोन में देखने को मिल जाता है और फ़ोन के बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि फ़ोन को क्या प्राइस के साथ इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो गाइस, इसका जो बेस वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस 8,999 रुपया रखा गया है और जो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसका प्राइस 9,999 रुपया रखा गया है, यानी 10,000 के नीचे ही आपको फ़ोन देखने को मिलता है। फ़ोन में आपको 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रॉस ब्लैक एंड क्रॉस ब्लू। तो अब अगर बात करें फ़ोन के सेल डेट के बारे में, तो 30 अगस्त यानी 30 अगस्त को जो है ये फ़ोन आपको सेल में देखने को मिल जाएगा realme.com और Flipkart पर। तो गाइस, फ़ोन जो है ठीक ठाक ही है, यहाँ पर आपको UNI SoC T610 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और यहाँ पर आप लोग को डिस्प्ले भी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन जो है प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो यही एक छोटा सा जानकारी था आप सबके लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।